हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनू ठाकुर है और आज हम स्पीकआउट एक प्लेटफॉर्म में यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी आए हैं और कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की है, उनके व्यूज़ जानने की कोशिश की है कि उनका आगे करियर प्लान क्या है, क्या नहीं है, कहाँ उन्हें प्रॉब्लम्स है, कहाँ नहीं है। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं विशाल से पूछूंगी कि इनका फ्यूचर एम क्या है और ये कितना महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये जिस रास्ते पे है वो 100% इनको इनके सपने तक पहुँचाएगा। हाँ, मैं आगे लेक्चरशिप में अप्लाई जिस एम पे जो सोच के जा रहे हैं वो एकदम सही डायरेक्ट। ये पैशन है कि एजुकेशन सिस्टम में आप अपना कंट्रीब्यूशन दें। हाँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि 6 साल बाद इतना एफर्ट्स लगाने के बाद अगर आपके पास वो डिग्री नहीं आई तो वो 6 साल की प्रोडक्टिविटी तो गई ना पानी में। तो हम कहीं और पढ़ा लें, स्कूल में जरूरी तो कॉलेज वगैरह में जरूरी नहीं, उसी लाइन में हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप उसी लाइन में, आपका ये है कि आपको पढ़ाना ही है। हेलो, आई एम प्रमोद कुमार पटेल फ्रॉम राजस्थान। मैं यहाँ पीजी के लिए आया हूँ, पीजी एमए हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, तो प्रमोद आपका क्या एम है, टारगेट क्या लेके आए हो? मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रहते रहते मैं यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसको फाइट करूं और उसको पास आउट करने का भरपूर प्रयास करूं। यानी कहीं ना कहीं लगता है कि जो डिग्री है ये आपकी करियर में सफिशिएंट नहीं है, रोल अदा करे? नहीं, ये नहीं, नहीं, ये मतलब हाँ ये कुछ ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मैं एमए हिस्ट्री के अंदर कर रहा हूँ तो यूपीएससी जब सिविल सर्विस का एग्जाम उसके अंदर एक मेंस के अंदर अपना एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र होता है उसके अंदर। हाँ, तो उसके अंदर ऑप्शनल वैकल्पिक एक प्रश्न पत्र होता है जिसके अंदर इतिहास मैं रखूँगा तो वो मतलब काफ़ी भूमिका अदा करेगा, क्योंकि यदि अपना एक सब्जेक्ट मजबूत होगा, ठीक है, अपना सब्जेक्ट की नीड्स मजबूत होगी तो वो पास आउट करने के लिए बहुत अहम है। क्या ये ज़रूरी है कि हम डिग्री के साथ चल पाएँ? नहीं नहीं, या हम क्या डिग्री लेने के बाद में क्या अपना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये मेरे दिमाग में प्लान एक सवाल वैसे आया कि हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बाद डिग्री ले भी ली तो क्या डिग्री के साथ में काम करना है या अपना कोई बिजनेस भी कर सकते हैं साथ में, पैरेलली कोचिंग सेंटर चला लिया समथिंग, ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं, भारत का यदि देखें ना तो कई लोग हैं जो डिग्री लेने के बाद भी रिक्शा ऑटो चलाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है कि आप मतलब ऐसा नहीं है कि डिग्री के, हाँ ऐसा नहीं है कि आप मतलब डिग्री के साथ कर सकते हो, वो अपना इंटरेस्ट है कि आप डिग्री लेते हो उसके बाद वर्क करते हो, वो आपका इंटरेस्ट है कि आप बिना डिग्री लिए वर्क करते हो। तो बस मेन थिंक ये है कि जिस पोजीशन के लिए जो डिग्री चाहिए वो तो हमें करना होगा, जैसे कि प्रोफेसर के लिए हमें नेट क्वालिफाई चाहिए और एमफिल पीएचडी चाहिए तो वो हमें करना होगा, ठीक है। जैसे कि एज अ बिजनेस करना या हमें मतलब कुछ ऐसा सुधार करना उसके लिए कोई मायना नहीं रखता, बस स्किल डेवलप होना चाहिए, हमारा कितना स्किल डेवलप है। तो अगर कभी ऐसा मौका आया कि हमें ऐसा पैरेलली सोचना पड़े कि जो प्लानिंग थी वो सही नहीं चल पाई तो प्लान बी होना चाहिए, अपना काम भी कर सकते हैं अगर वो ना चले तो। हाँ हाँ, दिस इज अ राइट। हाँ, मेरा नाम सुमन है, मैं भी एमए प्रीवियस कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरा शुरू से ही मेरा जो माइंडसेट रहा है वो बहुत ही अनसेटलिंग सा रहा है, बहुत अनसेटलिंग कभी कभी मतलब। और ये जो भी अभी एमए में हूँ, इससे पहले बीए में हूँ, हिस्ट्री ही कर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, जिस तरीके से इन्फ्लुएंस हुई मैं, कुछ चीज़ें भी मतलब क्लियर हाँ, नहीं है। हाँ, तो कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। हाँ, ये है कि देर इज़ अ प्लान ए एंड देर इज़ अ प्लान बी टू, बट स्टिल आई एम स्टिल अनसेटल्ड विद माई। इससे मुझे एक चीज़ समझ में आती है, जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया वो ये किया कि कोई डायरेक्शन नहीं था। जब पढ़ाई शुरू की ना, पता ही नहीं था, बस फ्रेंड्स कर रहे हैं, बी कॉम कर रहे थे तो मैंने आगे बढ़ गया, उसके बाद और फ्रेंड्स को देखा कि कोई सीए कर रहा था वहाँ चला गया, डिग्री मिल भी गई उसके बाद ही, बेनिफिट तो कुछ लगा नहीं यार, सब या तो नौकरी करते रहो, लिमिटेड इनकम और बस एक सुबह 8 से रात के 8 के काम हो गया, उसके बाद घर जाना है। लेकिन जब ज़्यादा सोचो कुछ बड़ा तो ऑप्शन ही नहीं थे, वही आगे भी लोग कर रहे हैं, कोई एमबीए पकड़ के बैठा है तो मैंने किया, मेरे दोस्त ने किया, पड़ोसी ने किया तो एमबीए चल रहा है, घर वाले उतना गाइड कर नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है जैसे आपने कहा कि घर में होता है एजुकेशन नहीं है पॉसिबिलिटी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मतलब कंबाइंड फैमिली होता है उसका भी एक रीजन होता है, कंबाइंड फैमिली के अंदर मतलब 5-6 ने एमबीए कर दिया सेटल हो गए तो उसके पीछे वो तो कॉपी पेस्ट जो एक कर रहा है भाई दूसरा कर रहा है, सारे रिलेटिव्स वही बोलते हैं। सारे रिलेटिव, हां, जैसे एक दो आईएएस निकल गया तो फिर सभी को सिविल सर्विस का ही करवाएंगे, ठीक है, एक दो प्रोफेसर बन गया लेक्चरर तो उसको सभी को लेक्चरर करवाएंगे, तो एक कंबाइंड, ये एक प्रॉब्लम मुझे लगती है, मतलब एक्चुअली सिस्टम है। तो लगता है रोहन कि हमें लोगों की बात ये करने से पहले, जैसे इन्फ्लुएंस कर रही है फैमिली या रिलेटिव्स, हमें अपने पॉइंट को हम खुद में इतना स्ट्रांग फील करें कि हम उन्हें
नहीं ये कह सके कि भाई हमें ये नहीं, हमें यही करना है, हमारे में ये टैलेंट है, यानी हम अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स को ये भरोसा दिला पाए कि हम जो सोच रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। उस पर एक इशू है ना, हाँ। कि उसके लिए उन्हें एक गाइडेंस तो मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, एक ऐसी गाइडेंस मिलनी चाहिए जो उन्हें बताए सही क्या है गलत क्या है। वो जज तो तब करेंगे ना जब कोई बताने वाला हो। तो रोहन, व्हाट आई एम सेइंग अगेन, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है स्पीक आउट, ये इसीलिए है, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि साइकोलॉजिकली हम अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग कर पाए। डोंट यू थिंक गाइस, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? तो हम सबको अगर जरूरत है तो वो सिर्फ इस मेंटल स्ट्रांगनेस की है। अगर ये स्ट्रांग हो जाए तो हम कोई चीज ऐसी नहीं है जो अचीव ना कर पाए। जो टॉपर्स बनते हैं, जो बीटेक करके अगर वो डिग्री एक कंप्लीट करके बैठ गए हैं, बिहार के कितने जो आईएएस बनते हैं, क्योंकि वो यहाँ से स्ट्रांग हो जाते हैं कि हाँ हमें ये करना है। लेकिन हाँ, कई एग्जांपल्स हैं, स्टूडेंट्स को देखो वो एजुकेटेड, मतलब उसको मतलब डिग्री कोई भी नहीं है तो भी आज मतलब इतना बड़ा, मतलब आजकल संदीप माहेश्वरी को सुना है, संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल यार, मतलब मैं यही कह रही हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स को यही कहा, देखिए पीएचडी करके 4 साल बाद बन जाऊंगी, सिक्योर लाइफ हो जाएगी, लेकिन जो मेरा पैशन है ना, जो मैं आज चाहती हूँ, वो जील खत्म हो जाएगी, मुझे करना है। तो यानी कि उन्हें समझ में आया कि अगर ये कह रही है, क्योंकि जब हम यहाँ से फिट होते हैं ना, और उस चीज़ में मेरे दोस्त ने ही मेरी हेल्प की, इसी ने ही मुझे इतना मोटिवेट किया। तो ठीक है मीनू, और आज का सेशन ठीक लगा मुझे। आगे हम पहले कुछ दिन और लोगों से, बच्चों से बात करते हैं, ताकि जो हम स्टार्टअप ले रहे हैं वो सही दिशा में चले, ये ना हम भी सबके साथ में कॉपी पेस्ट चलते रहें और फिर वही जो परेशानियाँ हैं वही आ जाएँ। ठीक है, तो थैंक यू आज के सेशन के लिए।